ताऊते के बाद चक्रवाती तूफान यास की दस्तक, तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी। चक्रवात यास के अगले 24 घंटे में भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना, 26 मई को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों से गुजरने का अनुमान। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के साहली इलाकों में यास का असर दिखना शुरू, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए तैयारियां जारी, पूर्वी मिदनापुर में एनडीआरएफ की 5 और दीघा में 2 टीमें तैनात। चक्रवाती तूफान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा समेत 5 रियासतों से की चर्चा, लिया तैयारियों का जायजा। ओडिशा और तटीय इलाकों में यास तूफान के बाद तेज हवाएं और बारिश, तूफान पीड़ित राज्यों की मदद को लेकर ममता का केंद्र पर अटैक, अमित शाह से सवाल, बंगाल के साथ भेदभाव क्यों। यास तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की कुल 109 टीमें की गई तैनात, ये सभी टीमें वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान के तटीय इलाकों में तैनात की गई। ओडिशा के लोगों में यास तूफान का खौफ, पारादीप में छतों पर रेत की बोरियां रखते दिखे लोग, छतों को उड़ने से बचाने की कोशिश, कई इलाकों में भारी बारिश, इंडिया नेवी कर रही मदद। चक्रवाती तूफान यास को लेकर बिहार में अलर्ट जारी, 27 से 30 मई तक सूबे के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना। यास तूफान को लेकर झारखंड में अलर्ट, एनडीआरएफ की 9 बटालियन को रखा गया अलर्ट मोड पर, तूफान की वजह से झारखंड में आज से 28 तक मूसलाधार बारिश के आसार। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में चल रहे धरने को कल 6 महीने हो जाएंगे पूरे, इस दिन को किसान मनाएंगे ब्लैक डे। आज सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान की हो सकती है मीटिंग, किसान गोरिल्ला ब्लैक प्रोटेस्ट की रणनीति पर कर सकते हैं चर्चा। काला दिवस की तैयारियों में जुटे किसान नेता, कोरोना के डर से ऑनलाइन जूप ऐप पर कर रहे हैं मीटिंग। कृषि कानून के खिलाफ कल होने वाले एहतजाज को लेकर तैयारियां तेज, अमृतसर में घरों में तैयार हो रहे हैं भारी मात्रा में काले झंडे। कृषि कानूनों की मुखालिफत में कल सड़कों पर उतरेंगे किसान, किसान अपने ट्रैक्टर और गाड़ियों पर काले झंडे लगाएंगे। कल होने वाले प्रदर्शन को लेकर पंजाब के किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की सीमा के लिए कर रहे हैं कूच, ग्रामीण इलाकों में अंदर ही अंदर आ रहे किसान। किसान आंदोलन, दिल्ली वालों की बढ़ा सकता है मुसीबत, पंजाब हरियाणा से बड़ी तादाद में एहतजाजी आ रहे हैं राजधानी। हिसार में किसानों पर दर्ज केस वापस करने पर सहमति, किसान नेता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच करीब 3 घंटे तक चले मीटिंग, 16 मई को किसानों और पुलिस की हुई थी झड़प। हिसार में किसान नेता राकेश टिकैत ने लगाया बड़ा आरोप, सरकार पर लगाया किसानों के साथ धोखा करने का इल्जाम। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू, पैनासिया बायोटेक का दावा, हर साल 10 करोड़ डोजेस का होगा प्रोडक्शन। कोरोना की दूसरी लहर पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, दूसरी लहर को बताया चाइना का वायरल वॉर, कहा पीएम मोदी की लोकप्रियता खत्म करने की साजिश। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 22,122 नए केस, वहीं कोरोना ने 261 लोगों की ली जान। मुंबई में बीते 24 घंटे में 1,049 लोग हुए कोरोना से संक्रमित, वहीं 48 लोग कोरोना से जंग हारे, हुई मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,550 नए केस, जबकि 4,375 लोग हुए ठीक, दिल्ली में 207 लोगों ने जान गंवाई।
वैक्सीन की कमी से जूझ रही दिल्ली के 45 प्लस उम्र वालों के लिए राहत भरी खबर, दिल्ली को मिली कोविशील्ड की 1.5 लाख डोज। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए पुणे में टास्क फोर्स बनाई गई, बच्चों के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट कोरोना हॉस्पिटल में 10% बेड रिजर्व किए गए। स्लो मोशन डांस के लिए फेमस उत्तराखंड के बॉलीवुड डांसर और कोरियोग्राफर राघव जुयाल कोरोना काल में कर रहे हैं मदद, चमोली में कोरोना मुतासरीन के लिए राहत किट बांटी। कोरोना के बेकाबू होती रफ्तार के बीच WHO का बड़ा खुलासा, कोरोना इन्फेक्शन की वजह से अब तक 1,15,000 स्वास्थ्य कर्मियों की हुई मौत। कोरोना टेस्ट के नाम पर बसल उठी, बेंगलुरु में राहगीरों को पकड़कर जबरदस्ती जांच की कोशिश, इनकार करने पर पिटाई, महानगर पालिका कमिश्नर ने लिया संज्ञान। केरल में एक दिन में कोरोना के 17,821 नए केस आए सामने, 196 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,187 नए केस आए सामने, जबकि 45 लोगों की हुई मौत। असम में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 6,221 नए केस आए सामने, जबकि 84 लोगों ने तोड़ा दम। मेरठ में तेजी से पैर पसार रहा है ब्लैक फंगस, 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 20 नए केस मिले, मेरठ में अब तक 129 केस मिल चुके हैं, 10 मरीजों की हो चुकी है मौत। हाईकोर्ट पहुंचा गाजियाबाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का मामला, बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दाखिल की चार्जशीट, गाजियाबाद प्रशासन पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी के इल्जाम। कोरोना संक्रमित SP नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ी, फेफड़ों में फाइब्रोसिस और कैविटी पाए जाने पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना, शिव भक्ति में लीन नजर आए। वाराणसी में सीएम योगी ने की काल भैरव की पूजा, काशी के कोतवाल काल भैरव के लिए किए दर्शन, विधि विधान से की पूजा। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,981 नए मामले सामने आए, वहीं 11,918 लोग डिस्चार्ज हुए, कोरोना से 157 लोगों की मौत। यूपी में ब्लैक फंगस पसार रहा है पैर, लखनऊ के KGMU में पिछले 24 घंटे में 14 मरीज भर्ती, 3 लोगों की हुई मौत, KGMU में अब तक 149 मरीज हो चुके हैं भर्ती। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने पंचायत जिला अस्पताल का किया दौरा, स्थानीय सांसद अजय चमचा के साथ PPE किट पहनकर कोविड और ICU वार्ड का किया निरीक्षण। यूपी के वृंदावन के जिला संयुक्त अस्पताल में बुके देकर और हार पहनाकर कोरोना से जंग जीतने वाले मरीजों को किया जा रहा विदा, मरीज भी डॉक्टरों का कर रहे धन्यवाद। बिहार में 1 जून तक बड़ा लॉकडाउन, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला, सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर PM की तस्वीर को लेकर जीतन राम मांझी ने उठाया सवाल, कहा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर स्थानीय CM की भी हो सकती तस्वीर। बिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले मंत्रियों को लेकर सरकार गंभीर, मंत्रियों को इलाके में दौरा नहीं करने की दी नसीहत, RJD ने बताया तुगलकी फरमान। झारखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने सभी मंत्रियों के साथ की वर्चुअल मीटिंग, बैठक में कोरोना से लड़ने की तैयारियों पर मंथन। झारखंड में कोरोना के 1,394 नए मामले, 33 मरीज की मौत, राजधानी रांची में मिले 199 नए मामले। कोरोना संकट में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी संगीता को 1 लाख रुपए का अनुदान, मुख्यमंत्री के निर्देश पर खिलाड़ी कल्याण कोष से दी जाएगी राशि। बिहार के सासाराम में श्राद्ध कार्यक्रम में बार बालाओं ने जमकर लगाए झुमके, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। राजस्थान में कोरोना को लेकर मिली बड़ी राहत, एक दिन में महज
4,414 नए पॉजिटिव केस आए सामने। प्रदेश में कोरोना से 103 लोगों की हुई मौत। राजस्थान के 5 जिलों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का वर्चुअल वितरण कार्यक्रम। सीएम गहलोत ने उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और अजमेर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किए वितरित। जबलपुर हाईकोर्ट में कोरोना ब्लैक फंगस के मामलों पर सुनवाई। कोर्ट ने ब्लैक फंगस की दवाई की उपलब्धता पर सरकार से पूछे सवाल। बिना टेंडर जारी किए दवा की व्यवस्था करने के निर्देश। रेमडेसिविर नकली इंजेक्शन रैकेट मामले में सरबजीत मोखा के बेटे हरकरण को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरकरण के जबलपुर कोर्ट में सरेंडर की मिली थी जानकारी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में लगातार घट रहे कोरोना के नए केस। 24 घंटे में पंजाब में 4,539 नए केस। हिमाचल में 31 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। पहले की तरह जारी रहेगी पाबंदियां। परीक्षाओं पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। कहा अभी नहीं है अनुकूल समय। हालात सामान्य होने पर आयोजित करवाई जाएंगी परीक्षा। पूर्व मंत्री जीतमल खाट का कोरोना से निधन। उदयपुर के चिकित्सालय में ली आखिरी सांस। 3 बार विधायक रह चुके हैं खान। मॉडर्ना के बाद विदेशी कंपनी फाइजर का भी पंजाब को सीधे वैक्सीन देने से इनकार। नोडल अधिकारी विकास गर्ग ने दी जानकारी। नए सीबीआई डायरेक्टर की जल्द हो सकती है नियुक्ति। सूत्रों के हवाले से खबर। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में 3 नामों पर चर्चा। यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी का नाम भी रेस में। पश्चिम बंगाल हिंसा के खिलाफ कई पूर्व राजदूतों, जजों और सिविल सर्वेंट ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। एसआईटी से जांच कराने की भी अपील। ट्विटर के दफ्तर दिल्ली पुलिस नोटिस देने गई थी स्पेशल सेल की टीम। सूत्रों के हवाले से खबर। टूलकिट पर मैनिपुलेटेड टैग के मामले में एक्शन। महाराष्ट्र एटीएस के नए चीफ बने विनीत अग्रवाल। 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं विनीत। हरियाणा के रोहतक में अग्रसेन स्टेडियम में पहलवान पर ताबड़तोड़ फायरिंग। मौके पर हुई मौत। 2 बाइक सवारों ने दिया वारदात को अंजाम। पंजाब के बरनाला में दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। एक गुस्से सांड ने बुजुर्ग की जान ले ली। सांड ने सड़क पार कर साइकिल सवार पर हमला किया। इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के गाजियाबाद में कारोबारी से मांगी गई रंगदारी। रंगदारी मांगने के लिए शादी के कार्ड का इस्तेमाल। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के अररिया के रानीगंज में एक युवक की भीड़ ने की पिटाई। युवक का हाथ पांव रस्सी से बांधकर की गई पिटाई। वीडियो हुआ वायरल। पुलिस कर रही जांच। अमेठी में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के टोंक में सड़क किनारे बैठे शख्स को ट्रैक्टर ने कुचल दिया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। राजस्थान में नशे के सौदागर सक्रिय। जयपुर वेस्ट में 25 लाख तो अजमेर से 34 लाख नशीली टैबलेट्स बरामद। 3 कंपनियों पर छापे में मिली 117 कार्टन नशीली दवाइयां। जोधपुर में पति पत्नी के झगड़े में मासूम की हुई हत्या। गुस्से में कलयुगी पिता ने मासूम को फर्श पर पटका। वारदात के बाद से आरोपी पिता फरार। प्रतापगढ़ के धोलापानी में युवा का मर्डर। हत्या कर शव को सड़क पर फेंका। लॉ हकीम ने मुजरिम के घर के सामने किया अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान नीलामी के न्यूनतम मूल्य में की 50 रुपए की कटौती। 1400 से कम कर 1350 रुपए किया गया दाम। बीजेपी ने सरकार पर लगाया मिसमैनेजमेंट का इल्जाम। दतिया के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री पीताम्बरा मंदिर के बाहर बना प्राचीन गेट ढहा। ट्रैक्टर के टकराने से गिरा गेट। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
रोहतक के अग्रसेन स्टेडियम में दो बाइक सवारों ने युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, अंकुश ने मौके पर ही तोड़ा दम। पूरे देश में एक साथ लागू होंगे हॉलमार्किंग के नियम, अब 15 जून से देश में हॉलमार्किंग ज्वेलरी होगी अनिवार्य। लॉकडाउन के बीच टाटा ने दी ग्राहकों को राहत, गाड़ियों पर बढ़ाई फ्री सर्विस और वारंटी की डेडलाइन। हुंडई के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत, दो महीने तक बड़ी फ्री सर्विस और वारंटी की सीमा। पोको इंडिया ने रचा इतिहास, पहली तिमाही में रही 300% की ग्रोथ। इंग्लैंड दौरे पर जाने के लिए मुंबई पहुंचे रविंद्र जडेजा, जडेजा ने सोशल मीडिया के जरिए तस्वीर की साझा। बल्लेबाज लोकेश राहुल का स्वास्थ्य बेहद बेहतर, उम्मीद है कि वो 2 जून को टीम के साथ इंग्लैंड हो सकते हैं रवाना। शानदार प्रदर्शन के बाद भी टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर छलका उनादकट का दर्द, इंग्लैंड सीरीज में चुने जाने की थी उम्मीद, टीम में जगह नहीं मिलने से निराश। रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ियों को मुआवजे का इंतजार, कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने दी सफाई, कोविड की वजह से रद्द हुई थी रणजी ट्रॉफी। पूर्व तेज गेंदबाज एल बालाजी ने कहा, पहले युवा खिलाड़ी विराट और धोनी बनना चाहते थे, अब बुमराह और शमी बनना चाहते हैं। महारानी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 मई के आखिरी हफ्ते में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी वेब सीरीज और फिल्में। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई नोरा फतेही, ऑल ब्लैक ड्रेस में दिखा ग्लैमरस लुक। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर, तस्वीर में शाहिद दिख रहे हैं बेहद चार्मिंग। स्पेनिश क्राइम वेब सीरीज मनी हाइट्स का आखिरी सीजन जल्द, फैंस में उत्सुकता, प्रोफेसर और उनके गैंग का आखिर क्या हुआ। WHO प्रमुख ने कोरोना रोधी टीकों पर पेटेंट छूट की पहल, भारत और दक्षिण अफ्रीका पर जताया आभार। भारत में स्पूतनिक वैक्सीन का उत्पादन शुरू, क्वालिटी चेक के लिए रूस जाएगा टीके का पहला बैच। भारत में अधिक वैक्सीन के लिए अमेरिका पहुंचे एस जयशंकर, बाइडेन के कैबिनेट के सदस्य से करेंगे मुलाकात। चीन के आक्रामक रवैये का जवाब देने के लिए ब्रिटेन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भेजा नौसेना का बेड़ा। चीन में कोरोना फैलने से पहले ही बीमार पड़े थे रिसर्चर, वुहान लैब के 3 शोधकर्ताओं ने इलाज के लिए मांगी थी मदद। कोरोना वायरस विवाद पर चीन ने वुहान लैब में शोधकर्ताओं के बीमार पड़ने वाली रिपोर्ट का किया खंडन, कहा अमेरिका रच रहा है साजिश। अमेरिकी राजनयिकों के दिमाग पर हो रहे माइक्रोवेव से हमले, मचा हड़कंप, बड़ा कदम उठा सकते हैं बाइडेन। नेपाल में संसद की बहाली और देउबा को पीएम बनाने की अर्जी दायर, 146 निवर्तमान सांसदों ने किए दस्तखत। चीन में मैराथन दौड़ में 21 धावकों की मौत, 172 धावकों ने लिया था हिस्सा, मौसम खराब होने से धावकों की गई जान। चीन की सबसे बड़ी मस्जिद के साबिक इमाम को 15 साल की सजा, उइगा मुस्लिमों पर ढाया जा रहा जुल्म। इसराइल में फौज के एक जवान पर चाकू से हमला, यरूशलम में एक आतंकी ने किया वार, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। म्यांमार में फौज मुखालिफ जंगजुओं ने हिफाजती दस्तों के 13 जवानों को मारे जाने का किया दावा, मुल्क के मशरकी हिस्से में फौज और बागी जंगजुओं में हुआ तसादुम। स्पेनिश कोस्टल गार्ड ने बहरे ओकियानूस से 36 गैर मुल्की मुजाहिरीन की बचाए जान, खराब मौसम के सबब हेलीकॉप्टर के जरिए मुजाहिरीन को महफूज मकाम पर किया गया मुंतकिल।
शुमाल मगरबी चीन में सख्त सर्दी के सबब 21 मैराथन रनर हुए हलाक। एथलीटों की हिफाजत का माकूल इंतजाम न होने पर मकामी लोगों ने जाहिर की मकामी इंतजामिया और इवेंट ऑर्गेनाइजर के खिलाफ नाराजगी। अपने नन्हे शावकों को नदी पार करना सिखाती शेरनी, एक एक कर पांचों शावकों ने पार की नदी। आगे आगे शेरनी, पीछे पीछे चल रहे थे नन्हे शावक। बकरी के बच्चे की मस्ती, नन्हे मेमनों ने डांसिंग मूव के साथ जमकर की मस्ती। एक एक कर तीनों ने उतारी एक दूसरे की नकल। डर के आगे जीत है, पपी को तालाब में लेकर उतरा डॉग। बीच तालाब, पपी ने लगाई छलांग, जमकर की तैराकी। पांडा की राइडिंग, छत से लकड़ी के सहारे झूलकर उतरा नीचे। पांडा की स्मूथनेस देख आप भी हो जाएंगे हैरान। एक बार फिर कछुआ और खरगोश की रेस, फिर पीछे रह गया आलसी खरगोश। बच्चों ने जमकर उड़ाया मजाक। चल मेरे दोस्त तुझे घुमाकर लाऊं, घोड़े को सैर पर लेकर निकला पपी। रस्सी को मुंह में दबाकर दिखाई रहा।